नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं घूमो जीप भर के। दोस्तों फिर से आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं मणि महेश यात्रा को लेकर। मणि महेश यात्रा शुरू हो गई है, 6 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक यह यात्रा प्रशासनिक तौर से शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आई आपदा के बावजूद सभी रास्तों को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया गया है और सभी यात्रियों के लिए मणि महेश यात्रा का आरंभ हो चुका है। मणि महेश से जुड़ी सारी खबरें हमने आपको अपने चैनल के अंदर लेटेस्ट अपडेट के तौर पर लगातार दी हैं। अभी एक और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने हम लेकर आए हैं, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो लोग मणि महेश यात्रा करना चाहते हैं लेकिन वो असमर्थ हैं, वो स्वास्थ्य से सही नहीं हैं या वो चढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा मणि महेश के लिए आरंभ हो गई है। मणि महेश यात्रा में हेलीटैक्सी सेवा का रविवार से आगाज हो गया है। पहले दिन भरमौर और गौरीकुंड हेलीपैड से कुल 26 उड़ानें भरी हैं। इस दौरान 139 यात्रियों ने हवाई सफर किया है। बहरहाल मणि महेश यात्रा में जन्माष्टमी पर्व पर डल झील में होने वाले पवित्र स्थान के लिए सभी यात्रियों ने भरमौर की ओर रुख करना आरंभ कर दिया है। खबर की पुष्टि मणि महेश न्यास के सचिव एवं SDM भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने की है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह भरमौर स्थित हेलीपैड से गौरीकुंड के लिए हवाई उड़ानों का दौर आरंभ हो गया है, क्योंकि दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर मानसून भी अब रुक गया है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपदा या बारिश नहीं है। इस दौरान पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करीब 150 यात्रियों ने भरमौर से हेलीपैड से गौरीकुंड के लिए उड़ान भरी है। डल झील में स्नान करने के लिए गौरीकुंड से भरमौर हेलीपैड के लिए कुल 60 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर से सफर किया। बता दें कि मणि महेश यात्रा में इस मर्तबा केवल एक ही कंपनी अपनी हवाई सेवाएं प्रदान करने आगे आई है। इसका सिलसिला रविवार से आरंभ हो चुका है। अगर आप भी मणि महेश यात्रा करना चाहते हैं तो अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद हेलीकॉप्टर सेवा का आप आनंद ले सकते हैं। हेलीकॉप्टर से आप मणि महेश यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके हमसे भी यानी कि घूमोजी की टीम से भी बुकिंग करा सकते हैं या ऑनलाइन helicopterticket.com पर जाकर भी आप मणि महेश यात्रा 2030 का आनंद ले सकते हैं। मणि महेश से जुड़ी कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछकर जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी मणि महेश यात्रा 2023 की लेटेस्ट अपडेट के अब भरमौर से गौरीकुंड तक के लिए आपको हेली टैक्सी सेवा उपलब्ध करवा दी गई है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं घूमो जीप भर के।